पाकिस्तान कहीं ना कहीं लोअर एयरपोर्ट के लिए क्वालिफाई कर चुका है, इनकी यही औकात है कि मुंह वाला करा के आ गए हमारा, अब हम दलील होंगे दुनिया इंडिया के सामने। बस लोअर एयरपोर्ट आ जाओ भाई, तुम लोग आगे क्रिकेट खेल लो, तुम्हारे बस कहने दलील करने कोई काम नहीं है भाई, दलील कराओ हूं मैं इधर। इंडिया का फुल सपोर्ट करता हूं, है भी मैं इंडियन ही हूं। अच्छा? मीडिया पे तो गिलगित बल्तिस्तान इंडिया में आता, मैं इंडिया के सपोर्ट करता रहूंगा भाई। हमारी ये आवाम जो है ना, बिल्कुल सही जैसे भाई ने कहा ना, लुल है आवाम, ही लुल है, टीम की बात नहीं करो, आवाम ही लुल है पूरी भाई। इंतजार में जाकर टमाटर का हार मनवा, इनके लड़ने की टमाटर का हार डलवा दे एयरपोर्ट जाकर। टमाटर का हार? हाँ, फूलों का हार खत्म खत्म, टमाटर हो या चप्पल का हार मनवा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी न्यू वीडियो। तो भाई पाकिस्तान इस वक्त T20 वर्ल्ड कप के रेस से बाहर हो चुका है। आयरलैंड और यूएसए के दरमियान आज मैच होने लगा था, जिसमें जो है यूएसए की टीम आगे जा चुकी है, बारिश की नजर हो गई मैच और बारिश की वजह से यूएसए की टीम आगे आई है। तो इस वक्त पाकिस्तानी अवाम हमारे साथ मौजूद है, आइए जरा उनसे जानते हैं कि उनके दिल पर क्या बीत रही है। बड़ी उम्मीदें होती हैं यार, शुरू से ही हम बहुत बुरा खेले, यूएसए से हारे, इंडिया से जीता हुआ मैच हारे, तो पाकिस्तानी अवाम इस वक्त मौजूद है, जरा उनसे भी जानते। भाई आज यूएसए और आयरलैंड का मैच था जी, तो हम सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर सकते थे अगर आयरलैंड जीत जाता यूएसए हार जाता। बारिश हो गई, मैच खत्म हो गया, कुदरत का निजाम वगैरह सब उलट पुलट हो गया। अभी आप क्या कहना चाहते हैं, अभी पाकिस्तान टीम के साथ आगे क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से पहली बात तो ये है कि हमें दूसरों पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। आप ऐसी क्रिकेट खेलो कि भाई आप खुद उस पर अब हमारी टीम प्रोग्रेस करे आगे। हम मतलब ये आपके आज से 120 से 120 नहीं होता, आप यूएसए टीम से 160 रन खा जाते हैं। आपकी कप्तानी में मसले, आप कप्तान फिर से बनते हो, टीम में मसले बसाए ना, सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से टीम सिलेक्शन सही नहीं था। आप पता नहीं किस बेस में कितने खिलाड़ी होते हैं, किसी को कुछ नहीं पता। जब तक टीम में मसले मसाइल रहेंगे ऐसी टीम ही रहेगी ना ये। आप मसले का सोल्यूशन निकालें, आप उन लड़कों को खिलाते हैं इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, पीएसएल की परफॉर्मेंस आप लड़कों को लाते हैं, जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं आप उनको मौका नहीं देते, तो कहाँ का इंसाफ है फिर यार ये। तो अभी आगे क्या होगा पाकिस्तान टीम के साथ? सब कह रहे हैं कि यार यहाँ तो बैंड कर दो या पूरी टीम नहीं बनाओ, आप क्या कह रहे हैं? सिर्फ एक ही हल है कि जो भी जिन लड़कों ने परफॉर्मेंस नहीं दी उनको आप वापसी भेजें डोमेस्टिक, उनको बोलो कि यार आप परफॉर्मेंस दो, अपनी परफॉर्मेंस से टीम पे आओ, और जो परफॉर्मर्स हैं उनको टीम में लेके आओ। कप्तान आपने बना दिया, चलो उसको रहने दो चैंपियंस ट्रॉफी तक, सही है। जो बाबर्स के फैन हैं उनको आप और मौका दो, अपने कप्तान को कप्तानी करने दो चैंपियंस ट्रॉफी तक। अगर आप टीम बनाओ, वो टीम बनाओ जो 5 या 6 साल आपको रिप्रेजेंट कर सके, आपको ICC इवेंट में आपको टूर्नामेंट जितवाने की अहलियत रखती हो, ये करने का। वालेकुम भाईजान, देखो तो सही। नहीं नहीं भाई, माफ करे यार, पाकिस्तान आज मैच हार गया, 25 करोड़ अवाम का दिल टूटा है, क्या बोलोगे? यार मतलब हम लोग काम वाम छोड़ के मैच देख रहे होते हैं और इनको एहसास नहीं है यार। वो तो आपकी गलती है ना, अभी यूएसए से हम हार गए, सिर्फ यूएसए इतनी छोटी टीम यार, हमारी 120 स्कोर इतना ज्यादा है, 120 बोलो पे सिंगल डबल का मैच था, उस पे भी हार गए, अब हमारी क्या गलती? इनको बोलो बड़े बड़े लोग है, पर्ची वाले सब खिलाड़ी जमा करवाए अंदर, ऐसी थोड़ी होता है मैच या टीम ऐसी थोड़ी होती है, इससे भी अच्छे प्लेयर बाहर बिठाया है। अभी आगे हमारा आयरलैंड के साथ मैच है, उसके बाद हम क्वालिफाई करेंगे लाहौर एयरपोर्ट के लिए, एयरपोर्ट पे इस्तकबाल होगा। जाहिर सी बात है, आप आयरलैंड और उसकी मैच ड्रा हो गया, सिंगल सिंगल पॉइंट दिया, तो पाकिस्तान ऑलरेडी बोरी बिस्तर पे करेगा, वापिस पाकिस्तान आएगा, तो आप लोग हमें जाकर टमाटर का हार मनवा, इनके लड़ने की टमाटर का हार डलवा देना एयरपोर्ट जाकर। टमाटर का हार? हाँ, फूलों का हार खत्म खत्म, टमाटर हो या चप्पल का हार मनवा, मैं गालियां देता हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ, अभी आप इंडिया को सपोर्ट करोगे आगे? मैं इंडिया का फुल सपोर्ट करता हूँ, है भी मैं इंडियन ही हूँ। अच्छा? मीडिया पे तो गिलगित बल्तिस्तान इंडिया में आता, मैं इंडिया के सपोर्ट करूंगा। अभी आप आगे इंडिया, आप चाहते हो कि इंडिया फाइनल जीते? इंशाल्लाह हम इंडिया के सपोर्टर है, रहेंगे मरने दम तक। लेकिन यार अब लोग इतराज करेंगे पाकिस्तान में, हमारे क्या वास्ते भाई, हम इंडिया, हम गिलगित बल्तिस्तान के, मैं इंडिया का सपोर्ट कर रहा हूँ, खुला खुला एजेंसी बुलाए, आर्मी बुलाए। यार इन लोगों को आर्मियों से इतनी बड़ी ट्रेनिंग दी, 1 महीना पूरा इनको आर्मी ने ट्रेनिंग दी, शो कर शो है, शो शो है, जैसे भी ने इनको शो किया था, आर्मी के पास जाकर ट्रेनिंग करो, हर ट्रेनिंग ऐसे हो तो मेरे पास भेजो, मैं कैसे ट्रेनिंग देता हूँ तो इनको। आप कौन सी क्रिकेट,
अच्छा आगे अभी जो है किसको सपोर्ट, इंडिया के बारे में क्या कहना चाह रहे हो? इंडिया के सपोर्ट करते और अफगानिस्तान के भी करते, साथ साथ इन दोनों में एक तो फाइनल तो जीत देगी। अच्छा अभी सबको कह रहे कि पाकिस्तान को यहाँ बैंड कर दो या नई क्रिकेट टीम बनाओ, तो आप क्या चाहते हो, नहीं बनाना चाहिए बैंड करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्लोज करना चाहिए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, बनना ही नहीं क्लोज। बाबर आजम के बारे में क्या कहना चाहते हो? बाबर आजम बेचारे क्या करे, वही एक खेलता है बस, सारे उसके ऊपर चिढ़ते हैं, बगैर पीछे किसने खेला, सब कहते हैं बाबर स्लो खेलता है, बाबर स्लो खेलता है, बाबर स्लो नहीं खेलता, टीम को लेके चलना होता है, वो सिंगल वो आउट हो गया इंडिया के खिलाफ, बगैर खिलाड़ियों ने कौन सा तीर मारा। अस्सलाम वालेकुम सर, पाकिस्तान की टीम आउट हो गई है T20 वर्ल्ड कप से, क्या कहना चाहते हैं? जी जाजू मिठाई, हम तो दुख में, आप मिठाई की बात कर रहे हैं, लग तो नहीं रहा दुख में हो, ऐसे स्माइल करते हुए दुख कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है बैठ के रोएंगे तो नहीं ना, दिल तो दुख रहा है ना चाचू, अब आपको क्या कहना चाहते हैं इस पे? पाकिस्तान ने दिया क्या है हमारे को, ना पांडा दे रहे ना पाकिस्तान दे रहे, अल्लाह ओके। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम भाई, तो प्रॉमिस की बात नहीं है मगर वो उनका लक नहीं था, समझ रहे हैं, लक हो तो जीत भी सकता है, नहीं होता है तो नहीं होता है, बस बंदा हार गया तो हार गया, अब क्या करे, खेल है सब कुछ होता है यार, अब खेल आप भी किसी के साथ खेलेंगे ना, गेम है, अगर आप हार गए तो आप क्या करेंगे, अब तो बोलेंगे नेक्स्ट टाइम आजमाएंगे, इसी तरीके से सब अपने साथ इसी तरीके से चलता है भाई सिस्टम। तो भाई पाकिस्तान हमेशा हारा है यार, हम USA से हारे, हमारी टीम कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी ब्रांड है हमारी टीम, थोड़ी सी असल में ना मसला ये है और कोई बात नहीं है, थोड़ी सी ताकत आ जाए एक दो जने ऊपर हो जाए ना हो जाएगा, बादाम गिलाओ बादाम। क्या कहना चाह रहे हैं दोस्त आप? भाई हमारी आवाम जो है ना बिल्कुल सही, जैसे भाई ने कहा ना लुल है, आवाम ही लुल है, टीम की बात नहीं करो, आवाम ही लुल है पूरी भाई, इनको बादाम खाने चाहिए, पिस्ते खाने, तो भाई तो टीम भी तो आवाम में है हमारी, टीम कौन सी, इधर आ जाओ इधर आ जाओ, सामने आओ तो सही यार, आओ दोनों पास आओ, एक दूसरे से बात करो ना, उसामा मीर है पता नहीं भाई, तो उसामा मीर पाकिस्तान टीम को छोड़ के पांडा चला रहे हैं इस वक्त, करीब आ जाओ, नहीं तो अभी क्या बोल रहे हैं, आवाम की क्या गलती है इसमें, ये बोल रहा है आवाम की गलती है, मगर मेरे लिहाज से आवाम की गलती नहीं है, वो टीम की गलती है, टीम गलत कर रही है और कोई गलत नहीं कर रहा है, टीम खेलेगी तो आजमाएगी ना, खेल ही नहीं रही है क्या करें, हम जिस तरह हम इंडिया से हारे T20 में, जीता हुआ मैच 120 रन हमसे चेस नहीं हुआ, कौन सा जो अभी खेला था वो कौन सा जीता, वही मैच तो हार गए थे, जीता हुआ मैच नहीं था, हम जीते हुए थे, अच्छा खासा जीता है, खेला है अच्छा खासा, बॉलिंग अच्छी थी, सब कुछ किया, फिर एंड में हार गए वो। अभी लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम को बैंड करो, क्या कहना चाह रहे, बैन करना चाहिए टीम को, होगा और क्या होगा, बैंड ही होगी, क्यों वजह, फिर क्रिकेट को छोड़ दे, देखना नहीं करते ना, गिल्ली डंडा खेले और तो कोई हल नहीं है, गिल्ली डंडा गांव में जैसे खेलते हैं। जी दोस्त आप क्या कहना चाहते हो, आप क्या कहना चाह रहे हो, आप भी कुछ कहना चाहते हो? कुछ भी नहीं कहना चाहते हम, ये पाकिस्तान से 120 रन नहीं बने, इनकी क्रिकेट का फायदा क्या है यार, आपको मैच फिनिश करके आना चाहिए था भाई जान, बाबर आजम और रिजवान जो है आपने कैसे मैच फिनिश किया, इसलिए आए छक्के मारने के लिए आए, वो आपसे वैसे नहीं लगते भाई, कम से कम चौके सिंगल डबल करके 120 पूरा कर लेते यार, हम हमेशा डिपेंडेंट रहते हैं, फिलानी टीम फिलानी से हार जाए, फिलानी से ये हो जाए, फिर हम आगे आएंगे, ऐसा कब होगा कि हम आगे आकर दिखाएं अपने बलबूते पे भाई जान, इसके लिए आपको जो है ना आपके लड़के सही रखने पड़ेंगे, सारी तो पर्चियां खेलती है भाई जान, कोई एक बंदा भी नहीं है बगैर पर्ची के, बता दो कौन सा बंदा पर्ची के साथ है, सारे पर्ची वाले। तो अभी लोग ये कह रहे हैं कि यार पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बैंड कर दो, तो आप इस पे क्या इत्तेफाक रखते हैं? बैंड ना करो तो सही है, बैंड से हमारा ही मुल्क का नुकसान है, ये कि आप जो है ना टीम के लड़के जितने भी है वो आप खुद रखें ताकि आपकी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी हो। जी दोस्त आपका क्या कहना है, कुछ कहेंगे इस टॉपिक के बारे में? मैं देखता नहीं भाई, मैं आप नहीं देखते, आप देखते नहीं हो, जब भी जो है ना आप इस वक्त थोड़े से खुश नजर आ रहे हैं यार, सब बोल रहे हैं कि बाबर चैंपियन बाबर किंग, लेकिन यार बाबर की कैप्टनशिप में हमने बहुत तकलीफें झेली, हम अफगानिस्तान से हारे, हम जिम्बाब्वे से हारे, हम USA से तक के हार गए, हम पहली बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तानी टीम सुपर 8 में क्वालिफाई नहीं कर सकती T20 वर्ल्ड कप, जिम्मेदार कौन है? सबसे बड़ा जिम्मेदार तो मैं बाबर को खुद बोलूंगा, उसकी वजह ये है कि कप्तान क्यों बना हो, कप्तानी चली रही थी ना, बल्ले तो शाहीन को सपोर्ट करता, उसे बोलता नहीं यार ये मेरा अपना बंदा है, मैं वाइस कैप्टन बन जाऊंगा।
करूंगा सर, टीम बनाऊंगा। अब वो खुद कप्तानी ले ली, उसने खुद कप्तानी ले ली, अच्छा बैट्समैन है वो, ऐसा कैप्टन अच्छा नहीं है। लोग जो बाबर के फैन है वो ऐसा बैट्समैन और ऐसा कैप्टन में पर समझते नहीं है, उनको समझना चाहिए कि भाई वो ऐसा कैप्टन डिलीवर नहीं कर पा रहा फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो आपको कोई नेक्स्ट ऑप्शन देखना है। मोहम्मद रिजवान यार, आपने शाहीन को बनाया था, आपको शाहीन को आपने सिर्फ 5 मैच खिला के बाहर कर दिया, ये कहाँ का इंसाफ है? तो ज्यादती है ना यार सीरत की। हम हमेशा ऐसा होता है कि यार फलानी टीम फलाने से जीत जाए, फलानी फलाने से जीत जाए, फिर जो है ना हम आगे क्वालिफाई करेंगे, ऐसा कब तक चलता रहेगा यार? यार ये इस टीम का तो यही मसला है, 2022 में भी यही हुआ था, सही है, इसका हल आपको मैंने बता दिया, सही है। अब इसका एक ही हल है और आगे ये हो सकता है कि कप्तान चेंज हो, चैंपियंस ट्रॉफी तक आपको टाइम दे, अगर तो आगे परफॉर्मेंस नहीं आती तो आप नया कप्तान बनाए, अब आगे मूव ऑन करें। आप एक ही कप्तान, एक ही बंदे से कप्तानी नहीं हो रही है, उसी को आपने कैप्टनसी दी हुई 4-5 ईयर, जब वो डिलीवर नहीं कर रहा तो आप मूव ऑन करो यार। देखो ये पहली बार नहीं हुआ कि आप टीम खत्म कर दो, हाँ आप ये कर सकते हो कि जैसे शताब खान है या इफ्तिकार अहमद है या आजम खान है या जो भी आपके प्लेयर थे, आप उनको डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाओ, वहाँ बोलूँगा भाई आप जाके लंबी क्रिकेट खेलो, रेड बॉल को प्रायोरिटी दोगे तो आप T20 में सक्सेसफुल होगे ना, सिर्फ यही हल है और कोई हल नहीं। अभी इंडिया की टीम आगे निकल गई है सुपर 8 के लिए, तो आप क्या कहोगे कि इंडिया की टीम को सपोर्ट करोगे इस T20 में? यार देखो इंडिया की टीम है तो अच्छी फिलहाल, सही है, उसमें किंग कोहली है, रोहित शर्मा है, तो उनका जीना तो बनता है, खैर वो जीत नहीं रहे पिछले 10 साल से, मगर वो बोल है कि शायद इंडिया जीत जाए इस बार। तो आप इंडिया को सपोर्ट करोगे, आप कहते हो कि इंडिया जीते? एशिया में और कोई टीम बची नहीं है ना, हमारे पास तो इंडिया ही है, हम इंडिया को सपोर्ट कर लेते हैं। तो अभी पाकिस्तान कहाँ के लिए क्वालिफाई करेगा? यार पाकिस्तान कहीं ना कहीं लोअर एयरपोर्ट के लिए क्वालिफाई कर चुका है, इनकी यही औकात है कि मुंह वाला करा के आ गए हमारा, अब हम दलील होंगे दुनिया इंडिया के सामने, बस लोअर एयरपोर्ट आ जाओ भाई, तुम लोग आगे यही क्रिकेट खेलो, तुम्हारे पास कहने काम नहीं है भाई, दलील कराओ। मैं ये कह रहे कि ईद पाकिस्तानी शायद पाकिस्तान में करना चाह रहे थे, इस वजह से हारे सब बोल रहे। हाँ बस उनको गोश्त खाने में इंटरेस्ट होगा, कुर्बानी वगैरह करनी होगी, खैर इंजॉय करें आप, दलील करें हमें दुनिया में। ओके हाँ, तो भाई ये राय थी पाकिस्तानी अवाम की, बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाई हुई थी, हमने ये सोचा था यार सही है, पीछे पीछे जो हम जितने मैचेस हारे हैं आयरलैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड की छोटी सी टीम के खिलाफ, तो शायद इस बार जो है ना वो सारी चीज़ों का बदला पूरा हो जाएगा, लेकिन इस बार भी हमें कोई खुशी नसीब नहीं हुई, मजीद हमें गम मिले, पाकिस्तानी टीम जो है डिसक्वालीफाई हो गई। अभी कुछ ही दिनों के बाद पाकिस्तान जो है कराची एयरपोर्ट या लाहौर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएगी और जो है ईद अपनों में मनाएगी। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सी यू सून।